स्पेशल आरपी के लिए क्लास होती है। तो आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरपी की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके परीक्षा में। हमारा 50 में 50 का टारगेट है। इसके लिए डेली सुबह जीके जीएस का सेशन होता है, डेली सभी सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सब जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या फिर हरियाणा। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, फिर से आंसर करिएगा। पहले क्वेश्चन को समझिए, पूछा क्या गया है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उड़ीसा में। सी करेक्ट आंसर, यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में, नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर दो के लिए। बताइए कौन सी धातु हथेली में पिघल जाती है? उस धातु का आपको नाम बताना है, धातु का जो हथेली पर पिघल जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, पोटेशियम, गैलियम, सोडियम या फिर एल्यूमिनियम। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। गुड मॉर्निंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गैलियम। क्या करेक्ट आंसर है? बीस का राइट आंसर होगा, गैलियम धातु हथेली में पिघल जाती है, तो ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। कहां पर स्थित है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत का जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नई दिल्ली में। यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, नई दिल्ली में भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। बताइए रामायण के लेखक कौन है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है, रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास या फिर नन ऑफ दीज। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महर्षि वाल्मीकि। यस बी करेक्ट आंसर होगा, रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। आपको बताना है इस कब्र की रोग के इलाज के लिए निम्न में से कौन उपयोगी है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन इस कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है? इसका राइट आंसर क्या होगा, इस कर्वी रोग अगर पूछा जाए किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप लोग याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से होता है इस कर्वी रोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है परीक्षा के लिए, परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आंवला। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, आंवला इस कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसमें भी क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है आंवला, इसीलिए उपयोगी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, माना दर्रा भारत के किस राज्य में है? ये क्वेश्चन नंबर सिक्स है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। माना दर्रा भारत में कहाँ है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तराखंड में। क्या करेक्ट आंसर है? सी इसका राइट आंसर होगा, माना दर्रा उत्तराखंड में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सिक्किम करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड में है, आप लोग याद रखिएगा, माना दर्रा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए। बताइए पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक आपको बताना है कितना होता है, 80 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 100 डिग्री सेल्सियस। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है, इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, बताइए मेकांग डेल्टा किस देश में है। निम्न में से किस देश में मेकांग डेल्टा है, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर वियतनाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वियतनाम में। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, वियतनाम में मेकांग डेल्टा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, बताइए राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी संबंधित है, पहले प्रश्न को समझिए उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्या पूछा गया, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता या फिर राज्यपाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, राज्यपाल। यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो राज्यपाल है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, बताइए श्री राधा बल्लभ मंदिर कहाँ पर है। निम्न में से कहाँ पर श्री राधा बल्लभ मंदिर है, हरिद्वार, वृंदावन, बनारस या फिर ऋषिकेश में। तो सभी इसका आंसर करिएगा। आज की क्लास में टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। गुड गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वृंदावन में। क्या करेक्ट आंसर है, बीस का राइट आंसर होगा, श्री राधा बल्लभ मंदिर वृंदावन में है उत्तर प्रदेश के। तो ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले प्रश्न को समझिएगा उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, सेसाचलम बायोस्फीयर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, तमिलनाडु करेक्ट आंसर नहीं है, आपके आंसर गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आंध्र प्रदेश। क्या करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में सेसाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और जो सेसाचलम है ये पहाड़ियां भी हैं, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। अगर पूछ लें परीक्षा में सेसाचलम पहाड़ियां कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में, वहीं पर है बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा इसका। यस आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर है। गुड मॉर्निंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, बताइए महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। गुड मॉर्निंग, डी करेक्ट आंसर होगा, एमजी रानाडे। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये एक समाज सुधारक थे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, बताइए निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम या फिर आयरन। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। गुड। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा गया है, इसका राइट आंसर बताइएगा। बी करेक्ट आंसर होगा, सिल्वर। यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, सिल्वर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चांदी को एजी से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि चांदी का जो लैटिन नेम है अर्जेंटम होता है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, कुनो राष्ट्रीय उद्यान बताइए कहाँ पर है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से चीता लाए गए थे, आपको बताना है ये किस राज्य में है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। यस ए करेक्ट आंसर होगा, कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बोल लोक पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो सर इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, बताइए जो बोल लोक पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए,
बताइए आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज बतानी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या फिर उड़िया? तो सभी इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तेलुगु, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजकीय भाषा है, आधिकारिक भाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, बताइए कांच का रंग नीला किसकी वजह से होता है? गुड मॉर्निंग, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। कांच को नीला रंग निम्न में से कौन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोबाल्ट ऑक्साइड, या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से कांच का रंग नीला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हितोपदेश के लेखक कौन है? आपको बताना है हितोपदेश के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नारायण पंडित, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, नारायण पंडित ने हितोपदेश को लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है नाटक मृच्छकटिकम किसकी रचना है? आपको बताना है ये जो मृच्छकटिकम है, लेखक कौन है इसके, रचनाकार कौन है? ये भी प्रश्न बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालिदास करेक्ट आंसर नहीं होगा, फिर से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, शूद्रक, या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, या फिर नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दुग्ध उत्पादन से। क्या करेक्ट आंसर है? 20 का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, बताइए एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएसपी का आपको फुल फॉर्म बताना है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, बताइए निम्न में से एक कौन कायांत्रित चट्टान है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, सेल, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, बताइए इसमें कौन एक कायांत्रित चट्टान है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्वार्टजाइट, यस डी करेक्ट आंसर होगा इसका, क्वार्टजाइट एक कायांत्रित चट्टान है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको बताना है चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा। जीके जीएस की क्लास है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पैटोलॉजी, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, चट्टानों का जो अध्ययन है पैटोलॉजी कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, बताइए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर बताइएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपको बताना है कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1921 में, 1921 में हुई थी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुख्यालय कहाँ पर है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, मुंबई में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के मुंबई में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, बताइए तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस स्तंभ से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर, तमिल का जो गौरव ग्रंथ है जीवक चिंतामणि किस स्तंभ से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू या फिर ईसाई? ए करेक्ट आंसर होगा इसका, जैन धर्म से संबंधित है,
किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, परीक्षा में बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? सभी इसका आंसर करिए। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर नन ऑफ दीज। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेसिडेंट को। सी करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझिए उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या करेक्ट आंसर है? सी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों अमेरिका के जो घास के स्थल हैं उनको प्रेरी कहा जाता है, अर्जेंटीना के घास के स्थलों को पंपास कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के जो घास के स्थल हैं डाउन्स कहलाते हैं, लेकिन वेल्स यूरोप से संबंधित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? इसका राइट आंसर बताइए। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, लाल बहादुर शास्त्री ने। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। आप लोग याद रखिएगा, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। गढ़वाल, बताइए किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। क्या पूछा गया है? गढ़वाली कहाँ का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड का। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, उत्तराखंड का फोक डांस है गढ़वाली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में जो पुरंदर शब्द का प्रयोग है किसके लिए हुआ है? विष्णु, शिव, ब्रह्मा या फिर इंद्र? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इंद्र के लिए। क्या करेक्ट आंसर है? डी इसका राइट आंसर होगा, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें क्या सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है, बताइए इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सही करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर? सही नहीं होगा। यस, जीएस की क्लास है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप लोग याद रखिएगा कैनबरा है। क्या है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, वियतनाम की राजधानी हनोई है, सीरिया की राजधानी दमिश्कस है, इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। योगेश, हैप्पी बर्थडे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए।
बताइए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में। यस, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मदन मोहन मालवीय। क्या करेक्ट आंसर है? बी इसका राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी जल्दी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहां पर स्थित है? सभी जल्दी आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आप लोग याद रखिएगा, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, लखनऊ करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है, स्वर कोकला नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा, स्वर कोकला नाम से किसे जाना जाता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लता मंगेशकर को। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका, स्वर कोकला नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता है, बी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, भारत की कोकला सरोजिनी नायडू कहा जाता है, ये अलग अलग क्वेश्चन है, इनको आप लोग याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है, दी रोड अहेड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दी रोड अहेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? लेखक आपको बताने हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 का। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विल गेट्स ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, दी रोड अहेड नामक पुस्तक विल गेट्स ने लिखी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसमें क्या सही सुमेलित नहीं है? आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये सही सुमेलित नहीं है, डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? डी करेक्ट आंसर होगा, सीसीटीवी का फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन टेक्नोलॉजी नहीं होता है, टेलीविजन होता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी भी उनका सही उत्तर है। बाकी तीनों को आप लोग याद रखिएगा, इनके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीएसएल एल आर का फुल फॉर्म क्या होता है, जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सही है, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। जिसने क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी भी उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए किसके विरोध में लाला लाजपत राय ने अपनी जान गंवाई थी? सभी इसका आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है? किसके विरोध में लाला लाजपत राय ने अपनी जान गंवाई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, साइमन कमीशन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने अपनी जान गंवाई थी। गुड, और आप लोग याद रखिएगा, साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था, लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको बताना है, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में है? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड में आप लोग याद रखिएगा, नंदा देवी चोटी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए व्हाट इज द करेंसी ऑफ तुर्कमेनिस्तान? आपको तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा बतानी है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा, मनात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, मनात तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए भी उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, मनात करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। गुड मॉर्निंग।
पहले क्वेश्चन को समझिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा करेंसी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा मनाट। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की कितनी सीट्स आरक्षित हैं, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, सभी इसका आंसर करिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा 84, 84 सीट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। और अगर एसटी की पूछी जाए तो आप लोग याद रखिएगा 47 लोकसभा में आरक्षित हैं, 47 ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है, रेड क्रॉस का मुख्यालय आपको बताना है कहां पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेनेवा में, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है जेनेवा में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और एक प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं पूछ लेते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 8 मई को प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी भी उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, बताइए यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, यक्षगान कहाँ संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका से, ए करेक्ट आंसर होगा, मुख्यतः कर्नाटका संबंधित है यक्षगान, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, तमिलनाडु केरल सिक्किम या फिर कर्नाटका, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा तमिलनाडु में, राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल नहीं होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पेट्रोल डीजल सीएनजी या फिर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सीएनजी। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, सीएनजी के प्रयोग से उपयोग से वायु प्रदूषण नहीं होता है, सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन और पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का फुल फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कल सुबाई शिखर आपको बताना है भारत के किस राज्य में, सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझिए उसके बाद आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। कल सुबाई शिखर आपको बताना है भारत में कहां पर है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये करेक्ट आंसर नहीं होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा महाराष्ट्र, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र में कल सुबाई शिखर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में दलविहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, भारत में दलविहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जयप्रकाश नारायण, या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, इनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित किया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, बताइए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सभी इसका आंसर करिएगा, क्या पूछा गया, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था, इसका राइट आंसर बताइएगा। ए करेक्ट आंसर होगा सारनाथ में, या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश सारनाथ में दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसे किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला धर्म उपदेश है सारनाथ में दिया था, इसे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिए, पूछा जाता है किस नाम से जानते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, यस धम्म चक्र प्रवर्तन। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, बताइए पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए,
क्या पूछा गया है? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? बी करेक्ट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, बताइए भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? क्या पूछा गया है? भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भोपाल, लखनऊ, अहमदाबाद या फिर अमृतसर में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अहमदाबाद में। क्या करेक्ट आंसर है? सी इसका राइट आंसर होगा, अहमदाबाद गुजरात का शहर है, अहमदाबाद में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, बताइए हर्षवर्धन किससे हार गए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुलकेशिन द्वितीय से। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी इसका राइट आंसर है, पुलकेशिन द्वितीय से हार गए थे हर्षवर्धन। 51 के लिए, रासायनिक नाम आपको बताना है भारी जल का क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का रासायनिक नाम होता है। और अगर केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा D2O केमिकल फार्मूला होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर बताइएगा। यस आर एस, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नाइजीरिया। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, आप लोग याद रखिएगा। बी करेक्ट आंसर है इसका, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 53 के लिए आंसर करिए, बताइए नेपाली भाषा मुख्य रूप से इनमें से किस राज्य में बोली जाती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से किस राज्य में मुख्य रूप से नेपाली भाषा बोली जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिक्किम में। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, सिक्किम में मुख्य रूप से इनमें से नेपाली भाषा बोली जाती है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए, पंखड़ा लोकगीत बताइए कहाँ संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए, बताइए किसको भूरा कोयला कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? भूरा कोयला बताइए किसे कहा जाता है? डी करेक्ट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसका, लिग्नाइट को। क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिए लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए, बताइए बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन बल का मात्रक होता है। डी करेक्ट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए, बताइए महलों का शहर किसे कहते हैं? महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी इसका राइट आंसर होगा, कोलकाता को आप लोग याद रखिएगा महलों का शहर कहते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए, पानी से बर्फ बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पानी से बर्फ बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, जैविक परिवर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए, बताइए इब्न बतूता कहाँ के निवासी था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मोरक्को का। क्या करेक्ट आंसर है? डी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसका आंसर करिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? सबसे अधिक जनसंख्या आपको बताना है किस महाद्वीप में? इसका राइट आंसर होगा एशिया। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर होगा, सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है।